हेलो गाइस, एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज का ये पार्ट 10 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे फोटोशॉप के टूल्स। तो पिछली वीडियो में हमने हेलिंग ब्रश टूल और ये ब्रश टूल, क्लोन स्टेम टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, ये पिछली वीडियो पार्ट 9 में हम देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ मैजिक रेजर टूल, ग्रेडियंट टूल और ब्लर टूल और ये डस्ट टूल। तो स्टार्ट करते हैं इरेजर टूल से। तो इरेजर टूल क्या करता है कि ये किसी भी इमेज को इरेज करता है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इमेज एग्जांपल के लिए ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये इमेज हमने ले ली। अब अगर इरेज टूल का इस्तेमाल हम करते हैं और इसका साइज वगैरह हम बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो रखना चाहें, जितने मतलब जो ये इरेजर टूल है, हिस्ट्री ब्रश टूल है, ब्रश टूल है, उसमें ये साइज छोटा या बड़ा करने के लिए और ये ब्रश की जो स्टाइलें हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये इरेजर टूल है तो ये इरेज करेगा। और कैसे इरेज करेगा? अगर आप ये वाला टूल लेते हैं तो ये जो चीज़ इरेज करेगा तो उसका जो मतलब किनारा है यानी बॉर्डर है वो क्लियरली नज़र आएगा। और अगर आप यहाँ पर ब्लर टूल ले लेते हैं कोई भी, तो इसका जो किनारा है वो एकदम क्लियर नज़र नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि इरेजर टूल क्या करता है, कैसे करता है। इरेजर टूल किसी भी पिक्चर को इरेज करता है, बट अगर हम इस पिक्चर को इरेज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस वाले को हमने इरेज कर दिया, तो इरेज तो होगा बट कुछ कोई ना कोई बैकग्राउंड में कलर तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि अगर इरेज करेंगे तो बैकग्राउंड में जाहिर सी बात है कोई कलर फिल करेगा। तो ये बैकग्राउंड कलर होता है। यहाँ पर जो व्हाइट कलर आप देख पा रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो अब अगर हम किसी भी जगह को इरेज करेंगे तो ग्रीन कलर फिल करेगा। तो ये कलर नहीं फिल कर रहा है बल्कि इरेज कर रहा है, और इरेज करते समय जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पे सेट कर दे रहा है ग्रीन या जो भी यहाँ पे सेट होगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि इरेजर टूल क्या करता है। लेकिन ये आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि बैकग्राउंड और लेयर क्या होती हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं अभी जो डिलीट कर रहा हूँ वो क्या डिलीट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को डिलीट कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं तो वो क्या करता है कि बैकग्राउंड डिलीट करेगा तो पिक्चर डिलीट करेगा और उसकी जगह कोई ना कोई कलर फिल कर देगा। लेकिन अगर आप किसी लेयर को डिलीट करते हैं, एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ, ये इमेज काफ़ी बड़ी है, मैं फिर दूसरी इमेज ले लेता हूँ, इस इमेज को उस इमेज पर ले जाते हैं कुछ इस तरह से। और अब अगर हम इस इमेज को डिलीट करें, इस वाली लेयर को, यानी इस लेयर को अगर हम इरेजर टूल से इरेज करेंगे, तो अब क्या होगा, लेयर डिलीट होगी, इसमें कलर नहीं फिल करेगा। क्यों? क्योंकि जब लेयर डिलीट होती है तो लेयर के पीछे बैकग्राउंड होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि लेयर जब डिलीट होती है तो लेयर के पीछे बैकग्राउंड होता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड ही डिलीट करेंगे तो बैकग्राउंड के पीछे तो कोई बैकग्राउंड होता नहीं है, इस वजह से वो कलर फिल करता है। तो आई थिंक समझ में आ रहा, मतलब समझ पा रहे होंगे कि इरेजर टूल कैसे काम करता है। तो ये देखिए, ये हो गया, तो इरेजर टूल क्लियर हो गया। उसके बाद अगला टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, ये बैकग्राउंड को ही डिलीट करता है। अब ये कैसे काम करता है तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये है तो ये बैकग्राउंड को इस तरह से इरेज करता है। देखिए, ये देखिए, जब बैकग्राउंड को ये इरेज करता है तो ये बैकग्राउंड में कलर नहीं करता बल्कि वो मतलब बैकग्राउंड को ही डिलीट कर देता है। ये कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कि किसी कागज पे आपने पेंसिल से लिखा और पेंसिल से लिखने के बाद आपने उसको इरेजर से मिटाया, तो क्या मिटेगा आपका जो पेंसिल से लिखा था वो मिट जाएगा और पेंसिल से लिखने के पीछे जो व्हाइट कलर का पेज था, बैकग्राउंड था, वो आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि जितनी दूर में पेंसिल से लिखा हुआ है उस पेज को ही उतना हम फाड़ दें, तो अगर आप उस पेज को फाड़ देंगे तो होगा क्या, जो पेंसिल से लिखा है वो तो डिलीट हो ही जाएगा, साथ में आपका जो वो बैकग्राउंड था यानी पेज था वो भी फट जाएगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर ये भी कर रहा है, मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल ये बैकग्राउंड को ही डिलीट कर रहा है। और अब अगर आप इसको कहीं भी किसी दूसरे इमेज पे मूव करके ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये पेज मतलब इमेज जो है वो एक तरीके से फट चुकी है, इसके बैक का दिखाई दे रहा है ये। तो ये आपका है बैकग्राउंड इरेजर टूल जो कि कलर नहीं फिल करता बल्कि बैकग्राउंड को ही डिलीट कर देता है। अगला टूल देखते हैं,
अगला टूल है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल क्या करता है कि ये एक जैसे कलर को डिलीट कर देता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं मैजिक बेंड टूल। तो मैजिक बेंड टूल क्या करता था, एक जैसे कलर को सेलेक्ट कर लेता था, ठीक उसी तरीके से मैजिक इरेजर टूल क्या करता है, एक जैसे कलर को डिलीट कर देता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसने एक जैसे कलर को डिलीट कर दिया है, ये देखिए एक जैसे कलर को डिलीट कर देगा। तो एक जैसा कलर उसको जहां जहां भी मिल रहा था उसने फटाफट वो चीजें डिलीट कर दी है। अब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये इरेजर टूल किस तरह से काम करते हैं तीनों। तो ये तीनों इरेजर टूल हो गए। अगला टूल है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल हम करते हैं ग्रेडियंट यानी कि कलर फिल करने के लिए। कलर फिल करने के लिए तो हम ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट ब्रश के इस्तेमाल में क्या होता है कि आप कोई भी एक कलर सेट करके ब्रश से एक ही कलर फिल कर सकते हैं अपनी इमेज पर। लेकिन अगर आपको कई सारे दो तीन कलर मिक्स करके आपको एक ग्रेडियंट तैयार करना हो और फिर कलर भरने हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करना होगा। और ग्रेडियंट टूल में आप यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कलर कितना कम या ज़्यादा रखना है वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कौन सा ग्रेडियंट रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें ये वाला ग्रेडियंट ये वाला रखना है, ओके कर दिया। तो आप अगर आप यहाँ से कलर हमने सेट ही कर दिया है, अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो वो कलर जो होगा आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसकी जो ओपेसिटी है वो 100% है और इसलिए यहाँ पे जो कलर है वो डार्क फिल हो रहा है। इसको मैं वापस लेता हूँ और ये इमेज देखिए, मैं जब यहाँ पे कलर कर रहा हूँ तो ये जो सन की लाइट थी वो दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि ये जो हमने सेलेक्ट कर रखा है इसमें दो चीज़ें हैं ना, ये लेयर है ना, आपको पता होगा कि ये क्या है, लेयर है, अभी हमने अलग से ला के रखा था, और ये बैकग्राउंड है। तो अगर आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट को फिल करते हैं तो वो जो ग्रेडियंट है वो कहाँ फिल होगा, वो आपका बैकग्राउंड पे फिल होगा इस तरह से। और अगर आप एक सेकंड में यहाँ पर मोड जो होता है, आप एक ये नोटिस करिए कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट का मोड है वो कलर में है, जबकि नॉर्मल होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है, मैंने भी चेक किया था, इस वजह से कलर लगा था। तो मैं इस मोड को नॉर्मल कर देता हूँ और नॉर्मल करने के बाद में कलर करता हूँ। तो देखिए ये जो बैकग्राउंड पे कलर हो रहा है, तो बैकग्राउंड पे तो हो रहा है बट उस लेयर पे नहीं हो रहा, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ एक ही जगह पे कलर होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं तो ये कलर जो है वो लेयर पे होगा, और लेयर जो थी आपकी जो लेयर थी वो ऊपर थी और उसके ऊपर कलर होगा तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक छिप जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेयर पर ही कलर होगा, अगर आप लेयर पे कलर करते हैं तो बैकग्राउंड तो ऑटोमेटिक छिप जाएगा, और अगर आप बैकग्राउंड पे कलर करते हैं तो लेयर नहीं छिपेगी। अब ये बैकग्राउंड पे हम लाइन खींच रहे हैं फिर भी ये यहाँ पे लेयर छिप रही, इसलिए क्योंकि मूव टूल से हमने सिलेक्शन इसका कर रखा था। अब इसका करेंगे और फिर अगर ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, यानी बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट फिल करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रेडियंट के कुछ और भी इस्तेमाल देखते हैं। तो ग्रेडियंट टूल में यहाँ से पहली बात तो हम कोई भी ग्रेडियंट कलर सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेट कर लेता हूँ थोड़े समय के लिए, ये वाला ओके, और इस इमेज पे कलर ग्रेडियंट फिल करता हूँ। तो अगर मैं ऐसे नॉर्मली फिल करता हूँ तो कुछ इस तरह से फिल होगा। अगर इसकी मैं ऑपेसिटी कम कर दूँ यानी इस तरह से अगर अब फिल करूँ तो कुछ ये इस तरह से कलर करेगा, क्योंकि ऑपेसिटी इसकी कम हो चुकी है ना। तो अब इसका भी इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं किसी भी इमेज पे इस तरह से कलर करने के लिए। दूसरी चीज, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं इसकी ऑपोजिटी को फुल कर देता हूँ। और इसमें मोड में कई सारे मोड दिए गए हैं, आप इसमें से जो भी इस्तेमाल करेंगे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सैचुरेट का इस्तेमाल करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट एक पड़ जाएगा ग्रेडियंट का। अगर आप इसमें से जैसे मैंने कलर का इस्तेमाल किया तो ये देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट पड़ेगा ग्रेडियंट का। तो इसमें एक एक करके आप सभी को इस्तेमाल कर लीजिए, पता चल जाएगा किससे कौन सा इफेक्ट बनता है। कोई खास दिक्कत नहीं है, बस एक एक करके आप ऊपर से ट्राई कीजिए कि किससे क्या इफेक्ट बन रहा है। मल्टीप्लाई से कलर डार्क कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे एक इफेक्ट डालें इस इमेज पर, अब इस इमेज पे हम यहाँ पर एक ग्रेडियंट का एक इफेक्ट डाल रहे हैं कलर का, तो देखिए कैसा इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट इसके ऊपर जनरेट हो रहा है, बस सिर्फ एक लाइन खींचने के बाद ही। अगर आप डबल कर देंगे तो फिर ये मतलब डार्क करता चला जाएगा कलर, और आप ग्रेडियंट यहाँ पे जो रखना चाहें वो रख सकते हैं।
मैं यहाँ पे कोई ग्रेडियंट चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कलर कर दिया और फिर इस ड्रैग किया तो कुछ इस तरह से इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। कलर यहाँ पे मोड मैंने कलर रखा हुआ है, अगर नॉर्मल रखते हैं तो क्या होगा, तो नॉर्मल में ये कुछ इस तरह से फिल कर देगा। सिंपल नॉर्मल में इस तरह से इसलिए फिल करेगा क्योंकि ऑपेसिटी इसकी 100% है, तो जाहिर सी बात है जो कलर होगा वो 100% डार्क होगा। तो यहाँ पर ग्रेडियंट टूल क्लियर हो गया है। अगला है पेंट बुकेट टूल। पेंट बुकेट टूल से क्या होता है कि ये एक जैसे कलर में कलर फिल कर देता है, सिंपल एक जैसे कलर में एक कलर फिल कर देता है। जैसे कि हमने देखा ये क्या करता है, सिलेक्शन करता है। ये क्या करता है, मैजिक इरेजर टूल एक जैसे कलर को डिलीट करता है, और पेंट बकेट टूल क्या करता है कि एक जैसे कलर में कलर फिल करता है। जो भी कलर यहाँ पे सेट होगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्लू कलर हो गया, ये देखिए, क्योंकि ब्लू कलर सेट है और जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ भी क्लिक करेंगे वो ब्लू कलर करता चला जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टूल देखते हैं। पेंट बुकेट टूल हो गया। अगला टूल है ब्लर टूल। ब्लर टूल क्या करता है, ये किसी भी इमेज को ब्लर कर देता है। पूरी इमेज को नहीं ब्लर करता क्योंकि ये एक ब्रश है, जितनी जगह में आप चलाएंगे उतना एरिया ये ब्लर कर देगा। ब्लर टूल उतना एरिया ब्लर कर देगा। तो मैं यहाँ पे कोई तो मान लीजिए ये इमेज है और इसमें मैं ब्लर टूल का इस्तेमाल अगर करता हूँ, तो अगर मैं आइस को ब्लर करता हूँ तो क्लिक करके और इसको क्लिक चलाना पड़ेगा, मतलब क्लिक को दबाए रखेंगे, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कम हाई कर देते हैं। और अब अगर हम ब्लर टूल का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, तो इसको क्लिक करते हुए जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे ये जो आइस है वो ब्लर होती जाएगी, यानी इस ब्रश को हम जहाँ कहीं भी चलाएंगे वो एरिया ब्लर होता चला जाएगा। इसको मैं नॉर्मल मोड में ले लेता हूँ और फिर इसको मैं ब्लर करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आइस है वो ब्लर होती जा रही है। कंपेयर आप कर सकते हैं इस आइस को और इस आइस को, ये देखिए कितनी क्लियर नज़र आ रही है जबकि ये ब्लर हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर का कोई भी पार्ट आसानी से ब्लर कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं, आप साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका, और फिर आप देखिए मैंने इस पार्ट को यहाँ पे इस साइज को ब्लर कर दिया, तो ये देखिए ब्लर यानी धुंधली हो गई। तो किसी भी पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं, तो इस आइस और इस साइज में आप फर्क आसानी से देख सकते हैं। तो ब्लर टूल का इस्तेमाल क्या होता है पता चल गया होगा। अगला है शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या करता है, ये डस्ट क्रिएट करता है। किस तरह से, अगर हम इसका इस्तेमाल शार्पन टूल का ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा, एक पिक्चर में एक उभार, मतलब उभार दे देगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक शार्पन इफेक्ट, ये एक प्रकार का ये इफेक्ट होता है जो कि बॉर्डर पे ज़्यादा लगता है। यहाँ पे देखिए ये एक शार्पन इफेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक शार्पन इफेक्ट है। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम जगह पे होता है। उसके बाद है अगला है स्मच टूल। स्मच टूल से क्या होता है, स्मच टूल एक ऐसा टूल है जिससे कि हम किसी भी पिक्चर को खींच सकते हैं। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा खींचना चाहते हैं यानी कम करना चाहते हैं, तो ये हम कम कर सकते हैं ये पार्ट ऐसे। तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जब स्मच टूल का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये अगर हम इधर से इधर की तरफ खींचते हैं तो ये उधर का बैकग्राउंड इस पिक्चर के ऊपर ला करके इस तरह से दे देता है, ये देखिए। और अगर हम इधर से उधर को खींचते हैं तो ये इधर की पिक्चर को उधर खींच देता है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है स्मच टूल। इसका इस्तेमाल कई जगह, मतलब काफ़ी जगह पे किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये थोड़े हेयर सही करने हैं तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये इस तरह से। तो ये क्या होगा कि इफ़ेक्ट जो होगा उसका बैकग्राउंड का ये हट, मतलब कम होते चले जाएंगे हेयर ये। और जैसे यहाँ पे ये इस तरह से ये आप फैला सकते हैं और चौड़ा कर सकते हैं। इस तरह से तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम किया जाता है। ये स्मच टूल क्या करता है कि अगर हम इधर इससे इधर को उधर खींचते हैं तो ये इस पिक्चर को उधर कर देगा। तो स्मच टूल क्लियर हो गया होगा।
अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे आईब्रो बढ़ाना चाहते हैं तो ये इस तरह से बढ़ा सकते हैं। लेकिन उतनी क्लियर नहीं होंगी क्योंकि ये जो है मतलब खिंचाव उत्पन्न कर देता है, यानी खींच देता है इमेज को। और आई थिंक समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर को कितना खराब कर दिया। तो इसमें टूल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है डस्ट टूल। डस्ट टूल क्या करता है कि किसी भी पिक्चर की ब्राइटनेस को इंक्रीज करता है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और अब अगर हम यहाँ पे डस्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, पिक्चर की ब्राइटनेस मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा। ये देखिए, ये इस तरह से। अब यहाँ पर ये ब्राइटनेस इस टाइप की इसलिए आ रही क्योंकि जो इस साइड का फेस है उस पर यही इसी कलर की ब्राइटनेस थी, इसलिए उसने इस कलर की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दिया। तो डस्ट टूल क्या करता है, ये ब्राइटनेस को इंक्रीज करता है। बर्न टूल क्या करता है कि ये ब्राइटनेस को डिक्रीज करता है। कैसे, ये देखिए, ये ब्राइटनेस को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए मतलब ब्लैक कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा जितना करेंगे वो ब्लैक करता चला जाएगा, कुछ इस टाइप से। अगला टूल है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, इसको मैं स्पॉन्ज टूल से आप किसी भी इमेज को डीसेचुरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोड में लिखा हुआ है डीसेचुरेट। डीसेचुरेट मीन्स होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी आपकी इमेज, यानी ग्रेस्कल हो जाएगी। ये देखिए जितने पार्ट में आप इसको चलाएंगे उतना इमेज का जो पार्ट है वो ग्रेस्कल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और अगर आप यहाँ स्पॉन्ज टूल में ही मोड को चेंज कर देते हैं यानी सेचुरेट कर देते हैं, अगर आप डीसेचुरेट करेंगे तब तो हम पता है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा पिक्चर को। लेकिन अगर आप सेचुरेट करते हैं तो ये क्या करेगा, पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेगा बल्कि एक सेचुरेशन यानी कि क्लियरिटी एक दे देगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का इफेक्ट, मतलब जैसा भी बैकग्राउंड होगा उसी तरह से यहाँ पर मतलब क्लियरिटी देगा। ये देखिए ये देखिए कि इतना क्लियर कर दिया इसने। अगर हम इसको देखना चाहें पहले कैसा था तो हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए ये पहले कैसा था और अभी ये ऐसा हो गया। ये देखिए डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पर भी कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये हिस्ट्री ब्रश टूल पहले इस्तेमाल कर दिया, अब स्पॉन्ज टूल का इस्तेमाल करते हैं सैचुरेट। तो ये देखिए एक प्रकार का इफेक्ट मतलब ब्राइटनेस क्लियरिटी ये लेके आता है। ये देखिए अगर इसका साइज बड़ा करके हम फुल इमेज पे चलाएं तो ये फुल इमेज को एक साथ सेचुरेट करेगा। ये देखिए ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो पिक्चर बेकार होनी होनी है, क्योंकि किसी भी टूल का यूज अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वो पिक्चर बेकार हो जाएगी। ये इमेज कुछ ऐसी थी, और अगर हम यहाँ पे स्पॉन्ज टूल का इस्तेमाल करते हैं और वो भी सैचुरेट मोड में, तो ये इमेज कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इतना इफेक्ट अच्छा है यानी काफ़ी है। तो इस वीडियो में हमने ये चार टूल कवर किए और अगली वीडियो में हम आगे के टूल कवर करेंगे। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।